नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी ने रेगुलर बीएड 2023 के लिए जो एडमिशन शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। प्रोस्पेक्टस जारी हो चुका है 2023 के लिए। इसमें मैं आपको पूरे प्रोस्पेक्टस बताने वाला हूँ कि इसमें आपके लिए नया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सीटें कितनी हैं, एडमिशन कब से ओपन होंगे, कब आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, सभी बातें डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट बीएड में रेगुलर में एडमिशन करवाना चाहता है यूनिवर्सिटी कैंपस में या फिर किसी भी एफिलेटेड कॉलेज में यूनिवर्सिटी के, तो उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप उस तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साथ ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है या फिर मेरे इंस्टाग्राम का भी, जो भी आपको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मेन पॉइंट रहेंगे वही बताकर चलूँगा। जो एलिजिबिलिटी रहेगी, 50% आपके नंबर होने चाहिए बैचलर डिग्री में या फिर मास्टर डिग्री में। ये नॉर्मल जो कैंडिडेट रहेंगे साइंस या सोशल साइंस या बैचलर डिग्री में रहेंगे। उसके बाद अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसके लिए 55% यहाँ पर परसेंटेज इन्होंने रखी है, और एससी एसटी के लिए कुछ परसेंट की यहाँ पर इन्होंने छूट भी दी है, ठीक है। उसके बाद आपकी रिपेयर नहीं होनी चाहिए, वरना आप बीएड रेगुलर में नहीं कर सकते। और पीजी में आपने कोई डिप्लोमा किया 1 ईयर का, तो उसको ये मास्टर डिग्री में कंसिडर नहीं करेंगे। और 50-50% जो है सीटों का अलॉटमेंट रहेगा। दो ग्रुप हैं इसमें, जो साइंस और आर्ट विद मैथ का ग्रुप रहेगा उसमें भी 50% सीटें होंगी, और ऐसे ही यहाँ पर जो आर्ट और कॉमर्स का ग्रुप रहेगा उसमें भी 50% सीटें होंगी। मैं आपको सीटें दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये आपके सीट का मैट्रिक्स रहेगा। ये जो फर्स्ट जो इंस्टीट्यूट है ये यूनिवर्सिटी कैंपस में पड़ता है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसमें आपकी सीटें रहेंगी। ये आपकी कैटेगरी वाइज सीटें यहाँ पर इन्होंने दिखाई है। ये फर्स्ट ग्रुप है जिसमें साइंस और आर्ट विद मैथ के स्टूडेंट रहेंगे, 75% सीटें हैं इसमें। उसके बाद दो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं, और बाकी जो यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, उनकी अलग सीटें रहेंगी। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें थोड़ी फीस कम होती है, इनकी भी सीटें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और ये सेकंड ग्रुप रहेगा आपका, इसमें आप चेक कर लेना, ये इंस्टाग्राम पर मेरे मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर। और हाँ, अगर किसी को भी अपना फॉर्म अप्लाई करना है तो वो खुद से भी कर सकता है, या फिर अगर आप कैफे से करवाते हो तो वो आपसे, आपको पता है कि 500 के आसपास फीस लेते हैं। अगर आपको हमारे से फॉर्म अप्लाई करवाना है तो कैफे वालों से आपसे जो है कम जो है हम चार्ज करेंगे, तो आप व्हाट्सएप पर मेरे को बता सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका भी। अगर आपको मेरे से फॉर्म फिल करवाना है तो उसके लिए मैं फीस जो है चार्ज कम करूँगा आपसे। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो फीस रहेगी, जैसे 18,000 के आसपास यहाँ पर, और इसमें कुछ चार्जेस भी होंगे। ये सिर्फ गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी कैंपस में कॉलेज है उसके लिए रहेगी, और जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है उनके लिए 44,000, और प्लस करके इसमें ये 65,000 के आसपास या फिर 70 के आसपास पहुँच जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये जो फीस रहेगी, जो पहले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं उनके लिए ये रहेगी, और जो यूनिवर्सिटी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये रहेगी। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस और जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हैं उनके लिए फीस है। उनकी फीस 24,000 या 25,000 के आसपास इन्होंने बताई है, बाकी प्राइवेट कॉलेज की तो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जो एडमिशन का शेड्यूल है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एडमिशन का शेड्यूल है कि 21 तारीख से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, और आपके पोर्टल का जो लिंक है वो भी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा मेरे, वहाँ पर जाकर ज्वाइन करें। 21 तारीख को यानी कि 21 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद आप अपनी चॉइस की लॉक करनी पड़ेगी कि आपको कौन से जो कॉलेज में आपको अपना एडमिशन करवाना है, किसके लिए अप्लाई करना है। उसके लिए डिस्प्ले आपकी जो मेरिट लिस्ट है सबसे पहली, ये रफ रहेगी, आपकी 9 तारीख को जारी होगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको 2 दिन दिए जाएंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया तो अपलोड कर सकते हैं 9 से 11 तारीख के बीच में। उसके बाद ओवरऑल मेरिट लिस्ट है वो 12 तारीख को जो है 12 बजे आ जाएगी, और उसके बाद फिर आपको काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा 13 तारीख को, जिस भी कॉलेज में आपका नाम आएगा या फिर इंस्टीट्यूट में, और पर्सनल आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये सीट आपको अलॉटमेंट कर देंगे, तो फिर आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 14 तारीख से, ये फर्स्ट काउंसलिंग के लिए रहेगी 2 दिन के लिए, और ऐसे ही सेकंड काउंसलिंग के लिए इन्होंने बताया है। पूरा शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन था। कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमसे जो फॉर्म है वो अप्लाई करवाना है तो मैसेज करके बता देना। मैंने कम्युनिटी जो मेरी पोस्ट है वहाँ पर भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिखाया गया है, और मेरे को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है व्हाट्सएप का, मैसेज करके बता सकते हैं। आपको जो मार्केट से कम प्राइस पर आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।